The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ड्राई माउथ की। दोस्तों, ड्राई टंग, मुंह में ड्राइनेस सबको फील होती है कभी ना कभी, और ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। जब भी आप थोड़े से नर्वस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, ड्राइनेस आ जाती है मुंह में, क्योंकि आपका सलाइवा कम बनने लगता है। लेकिन ये कभी कभी होना नॉर्मल है, लेकिन किसी को अगर हमेशा ड्राइनेस आ रही, हमेशा ड्राई माउथ रह रहा है, तो वो एक बीमारी हो सकती है। दोस्तों, सलाइवा जो होता है, आपका स्पिट, आपकी थूक जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं आपके जो मुंह के पास प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सलाइवा, जो आपके माउथ को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके माउथ को और अपने खाने को मॉइस्ट करता है, गीला करता है, बल्कि उसे खाने को तोड़ने में भी सलाइवरी अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होती है सलाइवा में। वो खाने को तोड़ने का प्रोसेस यहीं से शुरू करते हैं। उसी के साथ ये सलाइवा जो खाने पीने के छोटे मोटे पार्टिकल्स आपके दांतों में, आपके गम्स में लगे हैं, उसको वॉश कर देते हैं, साथ ही आपको निगलने में हेल्प करते हैं सलाइवा। और साथ ही सलाइवा में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो कि दांतों के हेल्प के लिए और दांतों को डीके से बचाने के लिए मदद करते हैं। तो अगर कहीं सलाइवा कम हो जाए, कम बने, तो उसे कहते हैं ड्राई माउथ। जो ड्राई माउथ को मेडिकल लैंग्वेज में जीरोस्टोमिया कहते हैं। होगा क्यों ये? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे कि आपके सलाइवा या तो कम बन रहे हैं या अब सलाइवा बन ही नहीं रहा, राइट? ये भी हो सकता है। सो उसके लिए क्या हो सकता है? पहली बात, अगर सलाइवा कम बनेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ऑब्वियसली आपको चबाने में, निगलने में और कभी कभी इवन बोलने में प्रॉब्लम आएगी। कभी एकदम मुंह सूख जाता है स्ट्रेस में, डर के मारे तो आवाज ही नहीं निकलती इसी वजह से। और साथ ही आपके दांतों का और इवन मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सलाइवा इतना जरूरी है। और ड्राई माउथ जो है उम्र के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्र बढ़ रही है इसलिए मुंह सूख रहा है, नहीं, वो एजिंग का पार्ट नहीं है। सो अगर आपको ड्राई माउथ है तो कारण ढूंढना जरूरी है, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कॉजेज, कारण क्या क्या होते हैं? नंबर वन, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन नंबर वन रीजन है दवाइयाँ। जी हाँ, कुछ या कई मेडिसिन हैं जो ड्राई माउथ करती हैं। नंबर वन रीजन है मेडिसिन, जैसे कि कई डिप्रेशन की मेडिसिंस, कई ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस, कई ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज की मेडिसिंस, ऐसी मेडिसिंस हैं जो ड्राई माउथ कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अपने आप में ड्राई माउथ है, लेकिन डिहाइड्रेशन टेम्पररी ड्राई माउथ करेगा, परमानेंट है। ये सब मेडिसिंस लंबे समय तक करेंगे, इसीलिए डिहाइड्रेशन को हम इसमें नहीं रख रहे रीजंस में। उसके बाद मेडिसिन के बाद दूसरा रीजन है बीमारियां। कौन सी बीमारियां? जैसे कि डायबिटीज, एचआईवी, एड्स, विटामिन डेफिशिएंसी, शॉर्ग्रेन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम्स के ऐसे से बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं नाम है, जिसमें कि या तो आपकी नसें कमजोर हो रही हैं या फिर वहां पर जो सिक्रीशन है, सिक्रेटरी प्रोसेस ही कम हो रहा है। एचआईवी, एड्स में, डायबिटीज में, बी12 डेफिशिएंसीज में, इसमें नसें कमजोर हो जाती हैं। प्लस हो सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो रहा है। कैसे? आपको कैंसर है, आपने रेडिएशन लिया, रेडिएशन एक्सपोजर से, या काम करते हैं ऐसी जगह जहां रेडिएशन ज्यादा है उसके वजह से, कीमोथेरेपी ली वो दवाइयों के वजह से, या एक्चुअल कोई भी कारण के वजह से नस डैमेज होगी, गर्दन में चोट लग गई, सर में चोट लग गई और सलाइवरी ग्लैंड पे जाने वाली नस जो है वो डैमेज हो रही है, तो आपको हो जाएगा ड्राई माउथ। यानी कि आपको गर्दन, आपके मुंह के अंदर ड्राई ड्राई फीलिंग आएगी, स्टिकी स्टिकी फीलिंग आएगी, बोलने, चबाने और निगलने में प्रॉब्लम आएगी, इवन टेस्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कई बार जलन सी फील होती है मुंह के अंदर, ड्राई फीलिंग गले तक जा सकती है, जबान या आपके लिप्स क्रैक हो सकते हैं, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, गंदी बदबू आ सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं ड्राई माउथ में। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डेंटिस्ट या मेडिकल डॉक्टर आपके इस चीज़ को एग्जामिन करेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और हिसाब से आपको चेक करके
फिर डिसाइड करेंगे कि आपको किस किस टेस्ट की जरूरत है या नहीं, और उसके बेसिस पे इलाज करेंगे। ऑब्वियसली इलाज डिपेंड करेगा आपके कारण पे। जैसे कि अगर कोई दवा है जिसके वजह से ये हो रहा है साइड इफेक्ट, तो उस दवा को बदलने की कोशिश की जाएगी, या फिर उस दवा का डोज कम करके आपको इस चीज से राहत दिलाने की कोशिश की। अगर ये नहीं कर सकते, दवा बहुत जरूरी है, तो फिर सलाइवा सब्स्टिट्यूट भी आते हैं जो कि आपको दी जाते हैं ताकि आपका सलाइवा मेंटेन रहे, मुंह के अंदर ऐसी दिक्कतें ना आए। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हो अपने खुद के लेवल पे। जैसे कि नंबर वन चीज है प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब पीने भर से बीच बीच में आपकी ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, कोई भी शुगर लेस च्युइंगम चबाते रहिए। ऑब्वियसली शुगर वाली च्युइंगम चबाते रहेंगे तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज के मोटे हो जाएंगे, राइट? तो ये दूसरी चीज, शुगर लेस च्युइंगम चबाते रहिए, प्लेंटी ऑफ पानी खूब पीना है। तीसरी चीज जो है टोबैको यानी कि तंबाकू और दारू से दूर रहना है, और अच्छे से अपनी ओरल केयर मेंटेन करें, मुंह के अंदर की केयर, 2 बार दिन में ब्रश करना, रेगुलर डेंटिस्ट को दिखाना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सब करेंगे अगर, तो आपको ड्राई माउथ नहीं होगा। लेकिन अगर हो चुका है, ड्राई माउथ हो चुका है, दिक्कत आ रही है निगलने में, खाने में, पीने में, तो फिर क्या करें? पहला चीज़, बीच बीच में सिप्स ऑफ वाटर लेते रहिए। सिप्स ऑफ वाटर या शुगरलेस ड्रिंक, जिसमें शुगर नहीं हो, सिप्स ऑफ वाटर हो या शुगरलेस ड्रिंक लेते रहिए, और ये इवन खाने के साथ लीजिए, क्योंकि खाने में वो जो पानी है थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके उसको च्यूइंग, आपको चबाने से लेके निगलने तक मदद करेगा। उसके अलावा टेस्ट को इम्प्रूव करेगा। और आपको क्या करना है, कोई भी प्रकार का कैफीन, चाय, कॉफ़ी, सोडाज, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें हम वो कम करना है। कैफीन, सोडा, कोल्ड ड्रिंक कम पियेंगे, क्योंकि कैफीन से माउथ ड्राई हो जाता है। शुगरलेस च्युइंगम चबाने से क्या होता है, उसमें आपका सलाइवा सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा नींबू, सिनेमन नींबू या मिंट फ्लेवर्ड की कैंडीज भी आप चूस सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और कई कैंडीज हैं ज़ाइलिटॉल वाली, वो भी हेल्प कर सकती हैं आपको कैविटीज में और इस ड्राई माउथ से। तेज स्पाइसी या सॉल्टी फूड अवॉइड करेंगे, क्योंकि ड्राई माउथ में ऐसी चीज़ें खाने से और दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकती है। ऑब्वियसली दारू और सिगरेट और तंबाकू वो नहीं खाएंगे, ड्राई माउथ में बहुत ख़राब है। और रात को सोते समय कमरे में ह्यूमिडिफायर भी डाल रख सकते हैं। ह्यूमिडिफायर कमरे में मॉइस्चर मेंटेन रखता है, क्योंकि कमरे में अगर आप मुंह खोल के सो गए तो ड्राईनेस से और ड्राई हो जाएगा आपका माउथ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ड्राई माउथ से छुटकारा पाने के लिए। इसके अलावा सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स के प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर दे सकते हैं। तो ये हुई सारी बात ड्राई माउथ की। आई होप आपको समझ आई बात, अच्छी लगी है तो लाइक दबाइए, शेयर करिए, और कल फिर मिलिए इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।